जीवन मंत्रा योग अध्यात्म और आयुर्वेद की वो त्रिवेणी है जिसके संगम से आपका जीवन बनेगा स्वस्थ, निरोग और संपन्न। दोस्तों, आप लोग आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जिन लोगों की गर्दन काली है तो उसे गोरा कैसे किया जाए। आपके घर में, परिवार में ऐसे बहुत सारे मेल या फीमेल्स होंगे जिनकी गर्दन काली है, लिहाजा उनके चेहरे की सुंदरता भी फीकी पड़ने लगती है। कई लोग रोज नहाते वक्त अपनी गर्दन को रगड़ रगड़ कर साफ करते हैं, रिजल्ट क्या आता है, गर्दन लाल हो जाती है। आज हम आपको बेहद सरल उपाय बताएंगे जिसकी मदद से आप अपनी काली गर्दन को साफ कर सकते हैं। ये सामग्रियां आपको आसानी से घर पर ही उपलब्ध हो जाएंगी, तो आइए जानते हैं कैसे करें इनका इस्तेमाल। नंबर एक, बेकिंग सोडा आजमाएं। जी हाँ, बेकिंग सोडा गर्दन पर पड़ी काली परत को साफ करने के लिए काफी असरदार होता है। आपको एक चम्मच पानी के साथ 2 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर अपनी गर्दन पर मिलाना होगा। फिर इसे सूखने दें और साधारण पानी से धो लें। इस विधि को हफ्ते में 2 बार करें और फिर रिजल्ट देखें। नंबर 2, आप आलू के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराने समय से ही त्वचा का रंग हल्का करने के लिए आलू का प्रयोग किया जाता रहा है। आप कच्चे आलू को घिसकर सीधे गर्दन पर लगा सकते हैं, या फिर घिसे हुए आलू का रस और नींबू का रस एक साथ मिक्स करके गर्दन पर लगाएं और 20 मिनट के बाद ठंडे पानी से धो लें और देखें रिजल्ट। नंबर 3, एलोवेरा के बारे में तो आपने सुना ही होगा। एलोवेरा त्वचा को तुरंत ठीक करके उत्तम रिजल्ट देता है। इसको लगाने के लिए एलोवेरा का रस लें और उसे सीधे गर्दन पर लगाएं और 20-30 मिनट तक लगाकर छोड़ दें। फिर इसे नॉर्मल पानी से धो लें। इस विधि को रोजाना करें और फिर देखें रिजल्ट। आप रोजाना ये उपाय करिए, यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आपकी गर्दन ग्लो करने लगेगी, यानी चेहरे से मिल जाएगी आपकी गर्दन का रंग। जीवन मंत्रा में बस आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। हमारे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।